तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। कल मैंने फेस कैम वीडियो नहीं बनाया था इसलिए मैं आपको विश नहीं कर पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, आज तो विश कर ही रहा हूँ। और कल जो फेस्टिवल आने वाला है रक्षाबंधन, उसके लिए भी आप सभी भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद। आप दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप रियलमी X2 यूज़र हैं तो आपको एक नया अपडेट मिलने वाला है या मिल चुका होगा, जो कि C.11 है। मेरे को मिल चुका है और मैं उसको 2 दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो कैसे अपडेट ले सकते हैं मैनुअली, और साथ ही साथ इस अपडेट में चेंजेस क्या क्या हैं, और अगर इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है या करने वाले हैं, करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और क्या क्या बग्स भी मिल सकते हैं, जो कि मैं इसको 2 दिनों से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है। साथ ही साथ आपको जैसे पता है कि एक लिखी हुई बात अलग होती है और एक फील करने वाली बात अलग होती है, जो कि आप यूज़ करने के बाद ही किसी चीज़ पे बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चेंजेस इस अपडेट में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जुलाई का अपडेट, तो जुलाई का सिक्योरिटी पेज आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नया फीचर ऐड किया गया है, जो कि रियलमी बीटा में आपको देखने को मिलता है। सेक्शन में यहाँ पर स्मूथ स्क्रॉलिंग फीचर कहा गया है। अब दोस्तों ये मुझे फीचर समझ नहीं आया। एक्चुअली बात यह है कि मैं इसको 2 दिनों से एक्टिवेट करके रखा है, बट मुझे कोई फ़र्क ही पता नहीं चल पाया। अब दोस्तों जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो सेटिंग है, सेटिंग में डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी फीचर OSIE करके फीचर मिलता है, जो कि क्या करता है कि आपकी डिस्प्ले की जो नॉइस है उसको कम करता है। बट उसको भी हम यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ शुरू से ही, और इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जब से आए तब से, बट मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पता चला। शायद मैं उसको और डीपली यूज़ करूँ और डीपली इस पर थोड़ा देखूँ तब शायद पता चल पाए, बट मुझे कोई पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कोई मुझे फ़र्क नहीं पता चला। अब देखिए आपको पता चलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि करते क्या है एक्चुअली में। इनका वर्क तो पता है कि ये थ्योरीली जो ऑन द पेपर काम तो इनका ये है कि ये आपके डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है, सर्फिंग एक्सपीरियंस है, स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है, उसको बेटर करना, बट मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। अब बढ़ते इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो वाईफाई है ये लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो वाईफाई का आइकन आपको देखने को पड़ता है, इसके अंदर आपको वाईफाई के अंदर कुछ नई सेटिंग्स देखने को मिली है। जैसे कि अगर आपके पास 2 मॉडम है 2.4 GHz या फिर 5 GHz का, तो आपको यहाँ पर आइकन में लिख कर आएगा ऊपर, तो आप अगर एक्टिवेट करते हैं इसको तो आपका ऊपर ये आइकन में 2.4 GHz या फिर 5 GHz भी बनकर आएगा इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपका वाईफाई में मॉडम जो पासवर्ड है उसको स्कैन करने का या फिर मोबाइल से स्कैन करने का हॉटस्पॉट, यहाँ पर आपको जो Android 10 का फीचर है, मतलब वाईफाई स्कैन करके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि Android 10 का फीचर है, वो अभी Realme UI में ऐड कर दिया गया है। सही बात है। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि लिखित है क्या है इसके अंदर, कि अभी आपको बहुत सारे बग्स जो हैं वो सोल्व कर दिए गए हैं इस अपडेट के तहत, जो कि शायद आपको पता चले कि क्या क्या बग थे। पहले बग की बात करें जो कि फिक्स किया गया है, इसमें लिखा हुआ है अपडेट में कि जो गेम स्पेस है आपका, जिसमें आपका गेम बूस्ट होता है, गेम की सारी एक्सेलेशन होती है, उसमें इसको बूस्ट जो है बढ़िया किया गया है। जो भी है डार्क मोड में सही से काम नहीं कर रहा था, इसने उन्हें बोला है कि सही से काम नहीं कर रहा था, उसको सही किया गया है। और FPS ड्रॉप्स भी शायद सही किए गए हैं, क्योंकि मेरा जब से मैं यूज़ कर रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, मुझे 60 FPS देखने को मिल रहा है पबजी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका जो पबजी खेल रहे हैं कितने FPS मिल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा से आइडिया मिल पाएगा कि इसको फिक्स किया गया है या फिर मुझे ये मिल रहा है। इसके पीछे ट्रिक क्या है मैंने आपको बताया था पहले ही, नहीं पता तो अब मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर गेम स्पेस में एक नया आइकन देखने को मिलता है, जो कि है ऑटो प्ले का। ऑटो प्ले से पता चल रहा है आपको कि आप इसमें क्या होगा कि डिस्प्ले जो है, आप जब खेल रहे हैं आपको कोई काम आ गया अर्जेंट में, तो आप डिस्प्ले लो कर सकते हैं, और जब तक आप आएंगे नहीं तब तक कि वो अनलॉक नहीं होगी। अनलॉक करने के लिए बस आपको स्वाइप करना पड़ता है। अब दोस्तों इसके अंदर नेक्स्ट फीचर ऐड किया गया है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की। कैमरे में दोस्तों मुझे पर्सनली दोस्तों मुझे इस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। कैमरे में मैंने बहुत पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देखे हैं कैमरे में, क्योंकि दोस्तों मैं कल रात में लगभग 1 बजे वीडियो और एक फ़ोटो खींच रहा था, तो मुझे जो जूम है इसके अंदर 10x पे मुझे काफ़ी बेहतर लगा रात के टाइम पर भी, और नाइट मोड भी इस टाइम पर मुझे बेहतर लगा है इस अपडेट के बाद इस Realme X2 में। तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि इसका जो जूम है 10x वो कितना इम्प्रूव हुआ है। मुझे तो इम्प्रूव
लगा जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, और साथ ही साथ इसका जो नाइट स्कैप मोड है, नाइट मोड है, उसको भी मुझे थोड़ा बेटर लगा है। तो कैमरे के अंदर एक और चीज़ मुझे जो पसंद आई इसकी कि फोकस ये थोड़ा सा बेहतर कर पा रहा है पहले अपडेट की तुलना में। इसमें मैं जैसे मैंने बताया एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, आपको उससे बढ़िया आइडिया मिल पाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके मोस्ट क्वेश्चंस कि जो कि आपने पूछे हैं मुझसे कि इस अपडेट के बाद बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूं, सारा काम मैं मोबाइल पे ही करता हूं, तो मुझे कुछ पता नहीं चल पाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चार्जिंग स्पीड है दोस्तों थोड़ी सी मुझे बढ़िया लगी है, थोड़ी सी मतलब 19 से 20 हुई है। इस पर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, आपको पता चल जाएगा उससे, क्योंकि जब तक मैं वीडियो नहीं बताऊंगा तब तक मुझे भी पता नहीं चल पाएगा कि कितनी देर में ये एक्चुअली चार्ज हो रहा है, आधे घंटे में, 10 मिनट में कितना चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए मैं एक दो दिनों के अंदर वीडियो बना दूंगा। और ड्रेनिंग कैसी हो रही है, तो ड्रेनिंग दोस्तों इसकी मुझे पहले जैसा ही लग रही है, ड्रेनिंग में कोई इशू नहीं है। पर मुझे एक बग भी देखने को मिला जो कि यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, यूट्यूब में तो मुझे पता चला उसमें जब मैं फुल स्क्रीन मोड में वीडियो देख रहा था, तो मैं जब मैंने सोचा कि अभी मैं नेट को ऑफ करता हूँ या फिर मुझे नोटिफिकेशन पैनल का कुछ काम था, तो नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं आ रहा था। ये आई थिंक बग ही है। अब बताइएगा कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आपके साथ भी है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका मैनुअल डाउनलोड लिंक कहाँ है, मतलब अगर आपको अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है तो अपडेट कब तक मिल जाएगा, ऑडियो अपडेट कब तक मिल जाएगा आपको, 10 दिनों के अंदर, 1 वीक के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि आपको जैसे पता है कि रियलमी जो है या फिर कोई भी अपडेट कैसे आता है, पहले कुछ लोगों को, कुछ परसेंट यूज़र्स को दिया जाता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर पूरे को दिया जाता है। क्योंकि अगर कोई सीरियस बग होता है तो इसी कम लोगों तक जो है इसकी प्रॉब्लम हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। तो आप थोड़ा सा 1 वीक और वेट कर लीजिए, उसके बाद आप मैनुअल डाउनलोड लिंक कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको अभी करना है तो आप मेरे जो mrtechg.com है उस पर जाइए, पहला जो ब्लॉग है उसको पढ़ लीजिए। ब्लॉग के नीचे पढ़ने की ज़रूरत है, आप नीचे जाइएगा, उसके नीचे आपको मैनुअल डाउनलोड लिंक मिल जाएगी इस अपडेट की। आई थिंक 3GB की है, जैसे उसके अंदर सारे जो रियलमी UI है और सारे अपडेट्स हैं, तो उसके अंदर आपको टोटल जो है C.11 3GB का बन जाता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप मैनुअल लिंक ना करें, आपको OT अपडेट ही करना ज़्यादा सही रहेगा, और रिकवरी मोड से आप उसको कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर आपको जैसे पता है कि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू था, क्लीन मास्टर जो इसके अंदर इंस्टॉल मिलता था, वायरस क्लीनर या फिर जंक क्लीनर जो मिलता था रियलमी के UI में, वो इसमें हटा दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको हटाया गया है या फिर हाइड किया गया है, बट अभी जो भी हटा ही दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो खाली जगह मिलते हैं, यहाँ पर एक जंक क्लीनर था और यहाँ पर क्लीन वायरस क्लीनर था, इन दोनों को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ ऊपर जो आपको एक ऑप्शन मिलता था कि आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलता है, उसको भी हटा ही दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है जो इसके साइज़ के हिसाब से देखिए 200-300 KB के अंदर है इसको। जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर यहाँ पर आप कुछ नए सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जियो की तरफ से कुछ सिक्योरिटी जो है दे दिया जाए, या फिर किसी इंडियन कंपनी के द्वारा जो सिक्योरिटी है वायरस क्लीनर या जंक क्लीनर यहाँ पर आपको एडेड मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब आपका जो ये इनबिल्ट है तो सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो सोल्व हो जाएगी, और आपको कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कदम भी होगा सभी चाइनीज़ डिवाइस के लिए, कि अगर वो सभी चाइनीज़ डिवाइस के अंदर इंडियन सिक्योरिटी एप्लीकेशन दें, ताकि इंडियन कंज्यूमर्स जो कि उसको प्राइमरी यूज़ करेंगे, उनकी जो सिक्योरिटी है वो इंडियन ऐप के हाथ में ही रहे। तो यही था जो भी, अगर आप क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे, यही था वीडियो में। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बिल्कुल और फटाक से दे देता हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो लाइक करके जाना, क्योंकि आपका जो लाइक है वही मुझे प्रेरणा देता है और वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ मेरे साथ, ना ख्याल रखो, बाय।